तेजस्वी यादव ने राहत सामग्री वितरण के दौरान बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ जहां जानलेवा कोरोना ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, तो वहीं 50,000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन बिहार सरकार को थोड़ी सी भी बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है। यहाँ के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली तो हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन बिहार सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सो रही है। बिहार सरकार की तरफ से कोई भी राहत सामग्री वितरण नहीं किया जा रहा है, उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया है। पूरे उत्तरी बिहार का बहुत ही बुरा हाल है। नमस्कार, अभी 8 बजे हैं सुबह के और मैं अभी चंपारण के इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहा हूं। आपको पता है 14 जिले 109 प्रखंड 972 पंचायत और लगभग 40 लाख की आबादी जो है, यानी पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है। और इसमें चंपारण का इलाका जो हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, बूढ़ी गंडक जो नदियां हैं और अनेक नदियां हैं जिसमें भारी जल स्तर जो है बढ़ा है और पूरी तरीके से लोग जो है तबाह हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। इस इलाकों में काफ़ी जो है लोग अपने घर के छतों पर, सड़कों पर आकर के बसे हुए हैं। और दुख की बात है कि जहां 40 लाख आबादी जहां इस बाढ़ से प्रभावित हुई है, सरकार ने केवल मात्र जो है 19 राहत शिविर ही चालू किया है और 19 राहत शिविर में केवल जो है 26,000 लोग रह रहे हैं, बल्कि सब प्रभावित लोगों की आंकड़े जो हैं वो 40 लाख की है। तो सरकार ने केवल जो है इंतजाम 26,000 लोगों का कराया है, 19 राहत शिविर कराया गया है। और हमारी सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामुदायिक किचन जो है वो खुलवाएं, लोगों का राहत शिविर है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाएं। लोग जो है भूखे प्यासे मर रहे हैं, बिना इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, लोग जो है परेशान हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। और हम तो मांग करते हैं राज्य सरकार से कि अविलंब जो है प्रति व्यक्ति जो है 20,000 रुपए जो है खाते में सरकार जो है वो पहुंचाने का काम करे, यह हमारी मांग है। और हम लोग अभी निकले हैं जो पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण, उनके इलाके में, लेकिन अब तक बिहार के मुख्यमंत्री 136 दिन हो गए वो घर से बाहर नहीं निकले हैं और अब तक उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी नहीं की है, इसका हम खेद। अरे हट।